हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। आज 8 नवंबर 2021 दिवाली को, दिवाली के दिनों में ये वीडियो बना रहा हूं मैं। कोविड को 2 साल होने आए हैं। मेरा क्वेश्चन है, क्या कोविड चला गया है या कोविड है? आपका क्या आंसर है? मैं बोलूंगा दोनों सच है। कोविड नहीं भी है और कोविड है भी। सही कैसे नहीं है? कोरोना की बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती थी, अब वो एक न्यूज़पेपर में कोने में छोटी खबर बन गई है। लोग लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग भूल कर दिवाली में बाजार में खरीदी करने के लिए निकल आए हैं। मास्क और सैनिटाइज को छोड़ दिया है। यह सब दिखाता है कि कोविड नहीं है। और कैसे है, आज भी मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं साहब, हमें कोविड होने के बाद हमें ये तकलीफ होने लगी है। फिजिकल तकलीफ है, जैसे बाल उतरना या सांस लेने में प्रॉब्लम, फेफड़े में कोई जैसे तकलीफ हो गई हो, वीकनेस में से भी तक रिकवर नहीं हुए हो, और बहुत सारी मानसिक समस्याएं। तो ये सब दिखाता है कि उनके लिए कोविड नहीं गया है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो पोस्ट कोविड जो प्रॉब्लम्स है, खास करके मेंटल प्रॉब्लम, उसके लिए क्या रूब्रिक ले सकते हैं, क्या मेडिसिन हम सोच सकते हैं। तो ये सब डिस्कस आज के वीडियो में करने मैं जा रहा हूं। तो हम शुरू करते हैं रोल ऑफ होम्योपैथी इन पोस्ट कोविड सिनेरियो। मनुष्य एक सोशल एनिमल है, जिसके लिए फैमिली, वर्क और सोसाइटी ही सब कुछ है, और काफी बैलेंस से ये सब चलता था, मतलब अपने वर्क में फैमिली और सोशल के साथ। लेकिन कोरोना ने क्या कर दिया, सब कुछ डिस्टर्ब कर दिया है उसने। फैमिली के साथ, वर्क के साथ और सोशल लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट शुरू कर दिए हैं। तो फैमिली में क्या हुआ, होम क्वारंटाइन रहे, वर्कलोड बढ़ गया सर्वन चले जाने की वजह से, और बच्चे काफी इरिटेट होने लगे, खुद की एंग्जाइटी हेल्थ की, फैमिली की हेल्थ की एंग्जाइटी, वर्क प्लेस में क्या हुआ कि एक इनसिक्योरिटी डेवलप हुई अपने जॉब को लेके, अपने इनकम को लेके। जॉब के लिए जो लोग बाहर गए थे, बाहर रहते थे, उनको काफी प्रॉब्लम होने लगा, पूरी सैलरी नहीं मिली। और सोसाइटी में क्या हुआ, एक लॉकडाउन की वजह से कोई सोशल गैदरिंग नहीं हुआ, तो जो एक दूसरे को मिलने का था वो चला गया। हमें अपनी जो ड्यूटी थी अपने परिवार के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति, वो हम नहीं कर पाए, और एक सोशल फोबिया, बाहर जाने से मुझे कोरोना लग जाएगा, ये एक डेवलप हो गया। हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच काफी झगड़े होने लगे, फैमिली मेंबर्स के बीच, बच्चों बच्चों के साथ, और काफी झगड़े होने लगे, और सारा फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स का बच्चों पे निकलने लगा, और पेरेंट्स भी बच्चों के बिहेवियर से काफी तंग आ गए। बच्चे भी क्या करें, पूरे दिन घर में रहना है, तो उनके वजह से उनको प्रॉब्लम होने लगा, लोग घर पे चले जाने लगे, और बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन होने की वजह से उनको एक स्पेशल मोबाइल या लैपटॉप या आईपैड मिल गया, और उनका माइंड पढ़ाई के अलावा अब सोशल मीडिया में चला गया, गेम खेलने में चला गया। बहुत सारे लोगों ने अपने लव वन को, अपने परिवारजनों को इस कोरोना में गवाया है, काफी बच्चे अनाथ हुए हैं। तो और इसकी वजह से लोगों का एक ड्रग एडिक्शन हो या अल्कोहल का एडिक्शन हो, स्मोकिंग हो, ये बढ़ गया है। डिप्रेशन के स्टेज में, सैडनेस में पेशेंट सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि एक सर्वे है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं जो पोस्ट कोविड को। तो हम अभी बात करने जा रहे थे कैसे होम्योपैथी ये सब में काम आ सकता है, रेस्क्यू कर सकते हैं ये सब प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल सिनेरियो को। मेरे पास एक एस्टेट ब्रोकर है कि सर, 9 महीने से एक भी मेरा काम नहीं हुआ है, एक सिंगल पाई की भी इनकम नहीं हुई है, और सामने एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, बच्चे भी घर पे रह के कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं, खाने का सबका बढ़ गया है, तो अब समझ नहीं आ रहा है कि
कैसे क्या होगा, तो एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेल्योर, एम्ब्राग्रेशिया, ओरम, सिमिसिकुगा, हायोसाइमस, एंग्जाइटी अबाउट बिजनेस अबाउट, उसमें भी आर्सेनिक है, मर्क्यूरियस है, पल्सेटिला, एसिलिशिया जैसी मेडिसिन है, फियर ऑफ पॉवर्टी ब्राइन या मेडिसिन है, और लोग के पास पैसे होते हुए भी ये सोच के पैसे स्पेंड नहीं करते कि शायद अब इनकम नहीं होगी और मुझे फ्यूचर में जरूरत होगी तो क्या करूंगा, तो पेशेंट नक्सोमिका हो सकता है, एस्टेनम हो सकता है। सबसे मैं इसमें तीन मेडिसिन डिस्कस करूंगा जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए है। पहली मेडिसिन है आर्सेनिकाल। हमें पता है कि आर्सेनिक ये मेडिसिन कोविड के पीरियड में बहुत लोगों ने एज ए प्रिवेंटिव मेडिसिन लिया है। कोविड आर्सेनिक पेशेंट में एक एंग्जाइटी बहुत है, बहुत सारी चीज की एंग्जाइटी है, ये पेशेंट रेस्टलेस पेशेंट है और उसको एक अनरियलिस्टिक फियर है पॉवर्टी का, और इसकी वजह से ये पेशेंट स्पेंड नहीं करेगा, अपने पॉकेट पे बहुत टाइट कंट्रोल रखेगा कि कहीं पर भी थोड़ा भी खर्चा नहीं हो चाहिए। इसलिए जब भी आप एवराइज रूब्रिक लेते हो या ग्रीडी रूब्रिक लेते हो, बस बहुत कुछ कलेक्ट करना है कि शायद फ्यूचर में कुछ काम में आ जाए, ये सब में आपको आर्सेनिक दिखेगी। तो एंग्जाइटी और फियर ऑफ पॉवर्टी और फियर ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इसमें आप ये मेडिसिन सोच सकते हैं। ब्रायनिया, ब्रायनिया भी एक तरह से इनसिक्योरिटी वाली मेडिसिन है रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल फ्यूचर, और इसकी वजह से ब्रायनिया में भी काफी हमें डर है पेशेंट को कि फ्यूचर में क्या होगा। अमराग्रेशिया में फाइनेंशियल वरी की वजह से वो सो नहीं सकता है। हमें पता है अमराग्रेशिया पेशेंट, वो एक उसको सोशल फोबिया भी है, बाहर लोगों के बीच जाना अच्छा नहीं लगता है, किसी की प्रेजेंस भी उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और ऐसे पेशेंट को जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए और उसकी वजह से नींद चली जाए तो अमराग्रेशिया सोच सकते हैं। हमने देखा कि फैमिली में बहुत क्वारलिंग हुए है, मतलब कई बार हमने देखा है कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े बच्चों ने देखा है, उसकी उन पर इफेक्ट हुई है, और कई बार क्या होता है कि सबका फ्रस्ट्रेशन एक ही बच्चे ही होते हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे अपना निकला है, ऐसे भी मैंने काफी केसेस सुने हैं। तो एलिमेंट्स फ्रॉम कॉरलिंग कार्सिनोसिन रेमेडी है, और उसकी वजह से बच्चों को पनिशमेंट मिलता है, और उसमें कार्सिनोसिन, नेट्रमोर और रिप्रीमेंट्स, मतलब कोई तेज आवाज से उनको डांट देता है, रिप्रूच करता है, तब भी एसरम, कार्सिनोसिन, इग्नेशिया, स्टेफिसग्रिया जैसी मेडिसिन हम सोच सकते हैं। तो इसमें दो मेडिसिन मैं डिस्कस करूंगा। कार्सिनोसिन पहली मेडिसिन है, तो कार्सिनोसिन पेशेंट बहुत सेंसिटिव पेशेंट है, और थोड़ा भी उसको कुछ बोल नहीं देना चाहिए, और उसकी वजह से वो अपने आप को इतना फास्टिडियस रखेंगे, अपने आप को एकदम ठीक से रखेंगे ताकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं कि मुझे कोई डांट दे या बोल दे। और ये पेशेंट में जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होता है, जिसके पेरेंट बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और बच्चों के सामने बहुत सारे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो उनको एक्सपेक्टेशन पूरा करने के लिए ये बच्चे काफी स्ट्रेच होते हैं, ये लोग कार्सिनोसिन पेशेंट काफी अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, और उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की वजह से जो भी प्रॉब्लम होता है, तो कार्सिनोसिन मेडिसिन है। ऐसी ही एक दूसरी मेडिसिन है इग्नेशिया। इग्नेशिया पेशेंट भी काफी सेंसिटिव पेशेंट होता है, उनको कोई बोल नहीं देना चाहिए, अगर किसी ने बोल दिया तो कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे, अंदर ही अंदर वो रखेंगे, इमोशनल रोलर कोस्टर, बहुत अच्छा वर्ड यहां मैंने यूज किया है, कि वो अपने आप को कोई अगर बोल देता है तो रिएक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को विड्रॉ कर देते हैं। और हमें पता है कि स्टडी नहीं हुई है, ऑनलाइन स्टडी नाम की हो रही थी, यहाँ बच्चे अपने मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने बैठते थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और था, बच्चे काफी रेस्टलेस हो चुके थे, स्कूल नहीं जाना, एक न एक एनवायरमेंट की वजह से वो काफी डिस्टर्ब हो गए थे, और उसी में भी अच्छा नहीं लगते हुए भी अपने गैजेट्स के सामने बैठना,
और उसकी वजह से उनका कंसंट्रेशन नहीं रहा, और बल्कि ये हुआ कि उनका कंसंट्रेशन गैजेट्स की वजह से कहीं और चला गया। तो उसमें एथुजा है, हेलेवरस है, नक्सोमिका है, एमराग्रेशिया, कैलगेरिया, कार्सिनोसिन, इस तरह की मेडिसिन जब बच्चे की पढ़ाई को अफेक्ट हुआ हो, खास करके पोस्ट कोविड में, ये मेडिसिन आप सोच सकते हैं। होम सिकनेस मतलब हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कहीं बाहर गए थे, वहां ही वो फंस गए अपने परिवार से दूर, या तो दूसरा भी ये भी हुआ कि खुद यहाँ रह गए लेकिन उनका परिवार कहीं बाहर दूसरे कंट्रीज में या इस तरह से वहां रह गए, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आए, इसमें आप रूब्रिक ले सकते हो कि परिवार जनों की दूर रहने की वजह से ऑरम, कैप्सिकम, क्लेमेटी, सिग्नेशिया, फॉस्फोरिक एसिड, कैप्सिकम कैसी मेडिसिन है, तो कैप्सिकम में भी इसकी वजह से, होम सिकनेस की वजह से उसका पर्टिकुलरली चिक रेड हो जाएंगे और पेशेंट सो नहीं पाएगा, वो पास्ट में ब्रूडिंग करने लगेगा, पुरानी बातें उसके माइंड में आएगी। दूसरी मेडिसिन है फॉस्फोरिक एसिड, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, जहां एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट्स फ्रॉम शॉक और होम सिकनेस, मतलब कोई भी ऐसा बना है जो पेशेंट को डिस्टर्ब कर देता है, और इसकी इफेक्ट क्या होती है, जो मेंटल ग्रिफ लगती है, मेंटल शॉक लगता है, उसकी इफेक्ट क्या लगती है, पूरा पर्सन चेंज हो जाएगा। आप समझेंगे नहीं कि कुछ महीने पहले वाला पेशेंट ऐसा चेंज हो गया, मतलब एक हेल्दी पर्सन, आपको लगता है कि उसकी एज बढ़ गई हो, कुछ ही महीनों में वो उसके सालों बढ़ गए हो, ऐसा फीलिंग फॉस्फोरिक एसिड पेशेंट में आता है। हमने देखा है कि काफी लोग की बीमारी बहुत लंबी चली है, फैमिली मेंबर्स में सपोज मदर है तो वो बेड रिडन हो गए हैं, उनके फेफड़े से खराब हो जाने की वजह से। मेरे पास ऐसे पेशेंट है कि जिनके लंग्स अभी भी नॉर्मल नहीं हुए हैं, वो थोड़ा भी काम करे तो उनको सांस फूलने लगता है, या तो उनको नींद नहीं आती है, रात को बार बार उठना पड़ता है। तो ऐसे फैमिली मेंबर्स की करते करते जो प्रॉब्लम केयर करने वाले हैं, जो केयर टेकर है, मतलब नॉट आउटसाइडर केयर टेकर बट फैमिली जो मेंबर्स है, उनको प्रॉब्लम होता है, उनको रात को जगना पड़ता है, तब आप एक ऑक्यूलस, नक्सोमिका जैसी मेडिसिन, एसिड फॉस्फोरस, स्टेफिसग्रिया जैसी मेडिसिन ले सकते हैं। ऑक्यूलस बहुत अच्छी मेडिसिन है, हम ऑक्यूलस को रेल रोड जर्नी में जब नौशिया एंड वॉमिटिंग होता है उसमें ही हम सोचते हैं, लेकिन ऑक्यूलस पेशेंट जो अपने नियर एंड डियर, अपने फैमिली मेंबर्स की केयर करने में, उसको रात को खुद की नींद नहीं होती है, और बाद में क्या होता है, लंबे समय तक केयर करते करते पेशेंट थक जाता है और खुद बीमार हो जाता है, खुद में एक वीकनेस क्रिएट होती है। ऐसे संयोग में कॉक्यूलस बहुत अच्छी मेडिसिन है। नाइट वॉचिंग फिल वीक इफ दे लूज इवन वन ओवर स्लीप। दूसरी मेडिसिन है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम सिंपैथेटिक पेशेंट है, एंशियस फॉर अदर है, फियर दैट समथिंग विल हैपन, कुछ हो जाएगा, और अगर क्या कैसे एंग्जाइटी रहती, बच्चा बाहर भी गया होगा, वो वहां पार्टी एंजॉय करता होगा, तो भी पेशेंट, कॉस्टिकम पेशेंट को बहुत उसकी चिंता रहती है। तो लव वन की चिंता की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं, उसमें कॉक्यूलस, कॉस्टिकम जैसी मेडिसिन आप सोच सकते हैं। काफी हुआ है कि मुझे ये करना था, मेरे फैमिली के लिए मुझे ये करना था, मैं कर नहीं पाया, अगर मैंने इस तरह से नहीं, इस तरह का कोई डिसीजन लिया होता तो शायद मेरे पेरेंट का ये हाल नहीं होते, या तो हमें ये दिन देखने नहीं होते। तो मेरे पास ऐसे पेशेंट था, एक पेशेंट आया था जिसको खांसी का प्रॉब्लम था और खुद कोरोना से बीमार था, और कोरोना की वजह से उसकी मदर को एक्सीडेंट हुआ और वहां उनको देखने नहीं जा पाया, तो उसको एक बाद में अभी भी गिल्ट है कि मैं उनका बेटा था और मुझे उनके साथ हॉस्पिटल में रहना था और मैं नहीं जा पाया, और मुझे जो मेरी ड्यूटी करनी थी वो नहीं कर पाया, और उसका दुख अभी भी है, और इस तरह से बहुत सारे कि मैंने उनको एक हॉस्पिटल में दाखिल किया होता, या तो मैंने ऐसे डिसीजन लिए होते तो अलग था, और वो खुद को ही अपने ये सब में दोषित मानते हैं। उसमें है ऑरम, साइक्लामैन, लाइकोपोडियम, आर्सेनिक। ऑरम मैट हमें पता है कि
जो ग्रीफ, वो काफी ड्यूटी कॉन्शियस पेशेंट होते हैं और उनको ग्रीफ और डिसअपॉइंटमेंट से प्रॉब्लम होते हैं, और वो पेशेंट इतना गिल फील करते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि सुसाइड तक का भी सोचने लगते हैं। साइक्लामेन का केस मैंने बताया, उसमें भी ड्यूटी निग्लेक्टेड आपको दिखाई देगा। अभी मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उसमें ये बहुत कॉमन है कि पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट विथ एंग्जाइटी या फियर विथ पाल्पिटेशन। तो थोड़ा भी, पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब थोड़ा भी एक आवाज भी हुई या थोड़े भी एक ऐसे बेड न्यूज सुने दिए तो तुरंत ही उनका दिल धड़कने लगता है, उनके पल्स रेट बढ़ जाते हैं जो पहले नहीं था। अभी छोटी छोटी बातों में उनको डर लगने लगता है और डर की वजह से उनके हार्ट के पाल्पिटेशन बढ़ जाते हैं। तब आप ये सारी दवाइयां सोच सकते हैं, और स्मोकिंग है, अल्कोहल, ये सब काफी बढ़ गया है, एक एडिक्शन बढ़ गया है। लोग अपने आप को, अपने डिप्रेशन को या तो अपने दुख को जैसे ठीक करने के लिए लोग ये सब का सहारा लेने लगे हैं। उसके लिए भी एगारिकस करके दवाई है या तो एसएरएम करके दवाई है, ये सारी दवाइयां उसमें काम करती है। और भी हम इसमें कैसे रूब्रिक ले सकते हैं, तो एलिमेंट्स फ्रॉम फियर, जहां एकोनाइट और जेंसेनियम मेडिसिन है, एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल शॉक, आर्निका, इग्निशिया, ओपियम करके दवाई है, डिप्रेशन की दवाई है, सुसाइडल टेंडेंसी की दवाई है सैडनेस की वजह से, जहां ऑरम काफी ये है, अनकंट्रोलेबल वीपिंग सैडनेस की वजह से, और दूसरा उससे अपोजिट, कितना भी दुख है लेकिन पेशेंट मतलब रो नहीं पाता है, ये सब में ये सारी दवाइयां है। बेड न्यूज की वजह से प्रॉब्लम हुआ, और एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव वन, इसका मेरा अलग से वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा वीडियो है वो, और लोगों ने काफी अप्रिशिएट भी किया है। तो यही मेरा एक प्रयास था, कहीं ना कहीं मैं सोचता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से और जो मैंने रूब्रिक और मेडिसिन डिस्कस की है, ये वीडियो के माध्यम से अगर किसी एक की, एक पेशेंट की भी लाइफ में अगर ये दीपावली का दिया जल गया, तो सच में मेरा ये वीडियो मुझे सार्थक लगेगा। तो कहीं पर भी जरूरत लगे तो आप ये वीडियो का यूज करके आपके पेशेंट को दे सकते हैं, आपके कहीं पर भी लगे तो आसपास में ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।